ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर सेम सिचुएशन जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस केस में अगर वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू तो किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा फर्क कर दिया कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू बिल्कुल पहले के जैसे, लेकिन यू इज अ फंक्शन ऑफ डी और पूछा गया है डी वाई अपॉन डी टी, तो कैसे निकालेंगे? इट इज डी वाई अपॉन डी यू इनटू डी यू अपॉन डी टी। इज दैट ओके? सो प्रोसीड करते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर तीन एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यू बी प्लीज हैव अ लुक। सो पहला एग्जांपल देखिए यहां पे, सो वाई इज इक्वल टू यहां दिया है टी की पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 6, टी की पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 6। ऑलराइट, सो यहां पे यू कैन राइट वाई इज इक्वल टू यू की पावर 6। ऐसा लिख सकते हैं कब? जब यू किसको माना हमने? टी की पावर 4 प्लस 3 को हमने माना है। ऑलराइट, सो अब यहां पे dy अपॉन dt कैन बी रिटन एज dy अपॉन du इनटू du अपॉन dt, क्योंकि ऐसा करने से dy अपॉन dt हमें मिल जाएगा, du du कैंसिल करके। एनीवेज, सो यहां पे dy dt किसका? y किसके बराबर है? u की पावर 6, ऐसे लिख दीजिए, और इनटू कर देंगे d by dt किसका? ये u का, और u किसके बराबर है? t की पावर 4 प्लस 3, ये लिख दिया। इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन इसका, 6 सामने, u की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये आ जाएगा 4 सामने t की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, केवल अकेले कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव विल बी 0। इज दैट ओके? नाउ बी केयरफुल अगेन, 6 की जगह 6, अब यहां पर u इन टर्म्स ऑफ t क्या है ये देखिए, सो इट इज t रेज टू द पावर 4 प्लस 3 एंड यहां पे पावर क्या है इसकी? 5, और इधर ब्रैकेट में 4t³। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज डिफरेंशिएशन पार्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ? सो बहुत ही सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू दूसरा एग्जाम्पल लेके और प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं। सो सीधा से कहते हैं, सो वाई इज इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 10 रेज टू दी पावर 4 यहां दिया है। सो यहां पे y इज इक्वल टू यू की पावर 4 लिख दीजिए। ऐसा कब लिख सकते हैं? जब u को क्या माना हमने? टी क्यू प्लस 10, ये हो गया। इसके बाद में हमें चाहिए dy अपॉन dt, कैसे मिलेगा? dy अपॉन du इनटू du अपॉन dt करके। इज इट ओके? dy अपॉन dt मिल रहा है। सो प्रोसीड करते हैं, dy du किसका? y का, और y किसके बराबर है? u की पावर 4 के, और इनटू dy dt किसका? u किसके बराबर है? t क्यूब प्लस 10। डिफरेंशिएट करिए सिंपल वे, पावर सामने 4 सामने आ गया, u की पावर 3 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर रहे थे। राइट, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन, यहां पर 3 सामने t की पावर 2 और केवल अकेले कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव इज 0। सो यहां पे अब केयरफुली 4 u की जगह पे क्या लिखना है? t क्यूब प्लस 10, और यहां पे पावर इसकी कितनी है? 3। ये ऐसे कैसे बात है? और ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन क्या बनेगी यहां पे? 3t² प्लस 0 इज सिंपली 3t², इसको सामने लाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ओके। यहां पर ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट परफेक्टली कंप्लीट हो गया। इज दैट ओके? एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं। ऑलराइट, सो सी नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है वाई इज इक्वल टू 3t⁵ माइनस 7t² रेज टू दी पावर 7, इस तरह से। नाउ अगेन वाई इज इक्वल टू क्या ले लें? यू रेज टू दी पावर 7, एंड यू क्या चीज मानी जब हमने ऐसा लिखा? तो यू ये चीज है,
which is 3t square, 3t raised to the power 5, 3t raised to the power 5 minus 7t square. ठीक है, ये u है, 3t raised to the power 5 minus 7t square. So now dy upon dt is equal to dy upon du into du upon dt. Next step, d by du किसका? U की बार 7 का. और multiply कर देना है. D by dt किसका? U का. U किसके बराबर है? 3t की बार 5 minus 7 t का square. Alright. So यहां पर next step में 7 सामने u की बार 6 आ जाएगा. Multiplied by bracket open. यहां पर 3 सामने ऐसे कैसे? And 3 ऐसे कैसे into 5 सामने t की बार 4 बीच में minus sign. 7 सामने इधर 2 आ जाएगा t raised to the power 2 minus 1 that is 1. So yeah. So coming to the next step, 7 की जगह 7, u की जगह क्या लिखें? 3t raised to the power 5 minus 7 t square. और कितनी पावर है इसकी? 6. ये लिख लिया. इसके बाद ये कितना बन गया? 15 t raised to the power 4 minus 14 t. तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. तो इस तरह से ये तीन एग्जांपल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है. सिमिलर वे इसी तरह का एक्सप्रेशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाता है तो उसको कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है जो सेकंड लास्ट एंड लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का, यानी ऑसिलेशंस एंड वेव. तो अगर इसको अच्छे से सीख लेंगे तो आप उसमें भी एक्सपर्ट बनेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन.